हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एसएससी सीएचएसएल का आंसर की आउट हो चुका है। हर किसी ने उम्मीद करते हैं आप लोग भी अपना अपना आंसर की चेक कर लिए होंगे, अपना स्कोर भी कैलकुलेट कर लिए हैं कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हर एक स्टूडेंट कन्फ्यूज्ड हैं कि उसका टीयर टू में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मतलब प्री क्लियर होगा कि नहीं होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो चलिए हम इस वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। हमने यह वीडियो बनाने से पहले बहुत सारे छात्र का जो स्कोर कितने आ रहे हैं उसको एनालिसिस करने के बाद मैं इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ को बना रहा हूँ। तो आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको कितनी कट ऑफ जाएगी इसकी जानकारी मिल सकती है। ठीक है, आप लोग पता होगा जैसा कि वैकेंसी काफ़ी कम है, 1600 के आसपास ही है। पिछले साल 10 से 12 गुना कैंडिडेट को मेंस के लिए कॉल किया गया था, इस बार भी इतना ही मैक्सिमम मान लेते हैं, 12 टाइम्स अगर कॉल करता है तो 72 और ये हो गया लगभग, मानिए आप 20,000 के आसपास कैंडिडेट को टीयर टू के लिए कॉल किया जाएगा। थोड़ा कंपटीशन हाई है क्योंकि इसमें सीजीएल के बच्चे भी इसमें अपीयर हुए हैं, वो लोग भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो थोड़ी सी उम्मीद है कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। लेकिन अगर आपका टफ़ शिफ्ट में हुई है एग्ज़ाम तो आपका क्या है कि स्कोर नॉर्मलाइज होकर के 10 से 12 मार्क्स तक बढ़ने की चांसेज रहती है, तो आप उसके हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा। मैं जो यहाँ पर मार्क्स बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ को, वह क्या है, नॉर्मलाइज्ड मार्क होगा, आपके रो मार्क्स में इंक्रीज होगा। वो आपके शिफ्ट पे डिपेंड करता है कि किस तरह का पेपर का लेवल था आपके शिफ्ट में। तो हम जो कट ऑफ बता रहे हैं वह नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम अब कट ऑफ जो है यूआर कैटेगरी का 1 से 140 से लेकर के 145 के बीच में कट ऑफ जाने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, यूआर कैटेगरी का 140 से 145 मार्क्स तक कट ऑफ जा सकती है, इससे एक दो ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आपके इस रेंज से 10 या 12 नंबर तक कम है, मतलब 10 नंबर तक सपोज कर लीजिए अगर कम है और आपका जो एग्ज़ाम का शिफ्ट हुआ था वह थोड़ा सा टफ था या फिर मॉडरेट लेवल का था, तो आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क बढ़ करके इतना आ सकता है। तो आप इससे 7 से 8 मान सकते हैं कि अंदर में है, तो आप खुद को सिलेक्टेड मान सकते हैं। इसी तरह हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 136 से लेकर के 140 तक आप मान सकते हैं ओबीसी का कट ऑफ जा सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें हम तो ईडब्ल्यूएस में 133 से 136 के बीच में या फिर 35 मान लीजिए, इतना के बीच में आपको कट ऑफ जा सकता है ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, एससी की बात करें हम तो 125 से लेकर के 132 के बीच में एससी का कट ऑफ जा सकता है, और एसटी की बात करें तो 120 से लेकर के 124 तक के रेंज में ईएससी का कट ऑफ, एसटी का कट ऑफ जा सकता है। तो ये एक अनुमानित कट ऑफ है, हमने बहुत सारे छात्र का मार्क्स का एनालिसिस किया है, उसके आधार पर हमने ये कट ऑफ डिसाइड किया है। इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह सकता है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाए क्योंकि एसएससी आपको पता है काफ़ी फास्ट आजकल काम कर रही है। तो बस अगर आपको अच्छा एग्ज़ाम नहीं गया है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर होकर के एग्ज़ाम दे, अगले साल, इस साल नहीं, इस साल ना हो अगले साल भी आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। तो चलिए वीडियो को यहीं कम्प्लीट करते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।